Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. प्यार अंधा होता है, यह प्रचलित कहावत है, लेकिन क्या इतना कि 6 माह पूर्व जिस व्यक्ति को शादी बंधन में बंधते हुए 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था, उसे ही प्रेमी संग मिलकर मौत के घाट उतार दिया जाए। सहसा यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच है। मेरठ सरोरपुर थाना क्षेत्र में जिस हत्याकांड को लूट बताकर पत्नी अर्चना ने पुलिस व परिजनों को सूचित किया था, उसका खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया। अर्चना ने अपने प्रेमी सौरभ संग मिलकर बेहद ही शातिराना अंदाज में अपने पति को उस वक्त रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया, जब वह पति के साथ मायके से अपनी ससुराल बड़ौद के तेवड़ी गांव लौट रही थी। कहते हैं कि आधुनिकता के इस दौर में अपराध करना जितना आसान हो गया है, उतना ही बच पाना भी मुश्किल है। कॉल डिटेल सामने आई और पुलिस को इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने में जरा भी देर नहीं लगी। मारे गए युवक का नाम अरुण है, जबकि पत्नी का नाम अर्चना, जबकि इस कहानी में वो की भूमिका सौरभ ने निभाई है। मृतक अरुण के पिता सतवीर की तहरीर पर पुलिस ने बहू अर्चना और प्रेमी सौरभ उम्र 27 साल के खिलाफ सरूरपुर थाना पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने अर्चना प्रजापति व सौरभ सोम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। देखिए ये आज शाम को अरुण कुमार सनात सतवीर ग्राम तेवड़ी बागपत अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल ग्राम कुसावली थाना सरदना क्षेत्र में आए थे और वहाँ से ही अपने घर बड़ौद के लिए वापस जा रहे थे नहर पटरी मार्ग से। तो वहाँ पर ये बताया गया जा रहा कि 2 बदमाश पीछे से आए और उन्होंने इनके पति को के ऊपर गोलियाँ चला दी, जिसमें ये घायल हो गए और इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है, उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मृतक को पंचायत नामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें पता किया जा रहा है कि हत्या किन कारणों से हुई है और इसका शीघ्र खुलासा किया जाए। तो महिला की भी कोई चोट वगैरह आई है, गोली वगैरह नहीं? महिला को कोई चोट नहीं है, महिला से अभी पूछताछ की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है कि घटनाक्रम क्या है। कहाँ जा रहे थे? ये जो मृतक हैं अरुण कुमार अपनी ससुराल खुशावली आए थे और खुशावली से अपने घर तेवड़ी जो इनका बागपत में घर पड़ता है वहाँ पर वापस जा रहे थे अपने घर के लिए। आज जो मेरे भतीजा है वो अपने ससुराल जा रहा था, तो फिर वहाँ से जब आया वो तो कोई 5 बजे के आसपास उसको किसी ने गोली मार दी अज्ञात लोगों ने। बता तो यही रहे लेकिन हमें सच्चाई का पता नहीं है। सच्चाई क्या? भाई के सामने कौन कौन था? हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे, अभी शादी हुई थी 6 महीने पहले। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये बागपत जिले टोड़ी गांव से आए थे और अपनी ससुराल है इनकी सावदा सरदने के पास कुछ सावली सावली तो वहाँ से आए थे। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, बच्चे तो इतने सीधे बच्चे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, लड़ाई झगड़े वाले बच्चे हैं ही नहीं, तो बिल्कुल भी कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं थी। इस बारे में मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवाण ने यह जानकारी दी। थाना सरोपुर के अंतर्गत कल एक घटना प्रकाश में आई थी कल शाम को, जिसमें की एक युवक अरुण प्रजापति और उसकी पत्नी थाना सरदना के अपने महिला के मायके से बड़ौद जनपद बागपत जा रहे थे मोटरसाइकिल से। रास्ते में पत्नी के द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके पति को 2 अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार दी गई है और उससे उसका पर्स जो है वो छीन लिया गया है। इस घटना की सूचना प्राप्त जब हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की गई। छानबीन करके प्रथम दृष्टिया जो चीज़ें निकल के आई उसमें कुछ विरोधाभासी बातें थी और जो घटनाक्रम था वो मेल नहीं खा रहा था। इसके बाद पुलिस के द्वारा और गहराई से छानबीन की गई और जो मृतक के परिजन हैं उनके पिता आदि से तहरीर प्राप्त की गई,
जिसके आधार पर मृतक के पिता के द्वारा मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सौरभ को इसमें नामजद किया गया। नामजदगी के बाद पुलिस के द्वारा अपनी जो वेचना प्रारंभ की गई उसमें निकल के आया कि मृतक की पत्नी का प्रेम संबंध उसके ही मायके के एक युवक से पूर्व से चला आ रहा था और लगभग 4-5 महीने शादी को हुए थे। उसके बाद भी उनका लगातार एक दूसरे से बात करना और मेलजोल चल रहा था और इन दोनों ही के द्वारा 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश की गई, जिससे कि वो मृतक को रास्ते से हटा दें और उनका जो प्रेम संबंध है वो लगातार चलता रहे। इसलिए इन्होंने अन्य लोगों को अपने साथ मिलाया और कल जब ये अपने मायके पति के साथ आई तो जब ये वापस जा रहे थे तो इनके जाने की सूचना गांव के ही 2 युवकों के द्वारा उसके प्रेमी को दी गई और उसके बाद इसने जो 3 अन्य युवक जो थे इसमें भोला वाल्मीकि, अर्जुन और सोनू सैनी और जो हर्ष सोम, इनके द्वारा तीनों के द्वारा मोटरसाइकिल से इनको रोका गया और रोककर इसके जो पति हैं इनको गोली मारी गई और जिससे कि उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। घटना को कोई अन्य शक्ल देने के लिए इनके द्वारा इसको लूट की घटना बताया गया और इस चीज़ को छिपाया गया। इसके बाद इसमें पुलिस के द्वारा अभी तक कुल 2 अभियुक्त अर्चना प्रजापति और इनका जो प्रेमी है सौरभ सोम, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 अन्य जो युवक हैं इस घटना में शामिल उनको हिरासत में लेकर और गहराई से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि और डिटेल इससे निकल के आए और 2 अन्य युवक जो फरार हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।